खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उनकी बेटी लेखा प्रजापति ने अपना नाम बॉलीवुड और टॉलीवुड में बुलंद किया है। हाल ही में लेखा ने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उनमें से रफू चक्कर सबसे पसंद की जाने वाली वेब सीरीज बनी है। इसको लेकर अभिनेत्री लेखा से खास बातचीत की गई है, सुनिए। मेरे साथ मौजूद है लेखा प्रजापति, जो कि जयपुर की ही रहने वाली है, पर फिलहाल उन्होंने मुंबई में अपनी उड़ान भर ली है, मुंबई तक अपनी उड़ान भर ली है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे वो मुंबई पहुंची और क्या कुछ उनकी जर्नी रही है। लेखा, देखिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच। लेखा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आप मुंबई कैसे पहुंची, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आपको पता है, जैसे कि हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे शाहरुख खान सर का इंटरव्यू और फिर बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू, तो मैंने सारे सबके इंटरव्यूज़ में एक कॉमन पॉइंट ये देखा था कि यार मुंबई तो जाना ही पड़ता है। तो मैं पली बड़ी जयपुर की थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुंबई तो जाना ही है अगर एक्टिंग के करियर में कुछ करना है। तो आई थिंक मुझे 5-6 साल हो गए मुंबई में। तो आप मुंबई गई, तो आप बतौर एक्टर ही वहाँ गई या फिर आपने थिएटर किया या मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की? तो जब मैं जयपुर में थी, मैं मॉडलिंग किया करती थी, मैंने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे एड्स शूट किए थे। हम लोग पाकिस्तान भी गए थे, एक थिएटर के थ्रू, हम लोग एक्टिंग के थ्रू, एक थिएटर प्ले के थ्रू, और उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई। एंड मैंने अपना करियर एड्स से स्टार्ट किया, फिर फिल्म्स में, साउथ फिल्म्स, तेलुगु, मलयालम, तो ऐसी जर्नी रही मेरी। जी। तो मतलब लेखा, मैं अभी जो बोल रही थी कि आपने अपनी उड़ान मुंबई भर ली है, तो वो तो मैंने गलत बोला, आपने तो साउथ की तरफ अपनी उड़ान भी भर ली है। तो आपको एक मूवी या फिर कोई सीरीज जो आपने तेलुगु में, मलयालम में की हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, पहली बात तो मुझे तेलुगु इतने अच्छे से बोलनी नहीं आती थी, और जब मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म की थी तेलुगु में, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। मैंने लास्ट फिल्म में एक मलयालम भी की थी जिसका नाम है क्षणम, एंड इट्स अ हॉरर थ्रिलर फिल्म, बट ठीक है, वहाँ पे आई हैव अ डबिंग आर्टिस्ट, मेरी एक डबिंग आर्टिस्ट है जो डब करती है मेरे लिए, बट अदरवाइज हम लोग सब इंडिया का ही पार्ट है। अब सिर्फ लैंग्वेज तो कोई बैरियर ही नहीं रहा है, और आजकल आप देख रहे हैं RRR और इतनी सारी अच्छी फिल्में साउथ की जो हमारे नॉर्थ में भी चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो भी लैंग्वेज बैरियर रहा है। लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, पर ऐसी कोई आपने मूवी की हो जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आई हो, या फिर कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, उसमें आपको लगा हो कि ये थोड़ा टफ है ये? तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। जब मैं मेरी मलयालम फिल्म कर रही थी क्षणम, तो मलयालम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लैंग्वेज, और मेरी पहली फिल्म थी मलयालम में, और मैं सेट पे रोने लग गई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं नहीं लिपसिंक, आप डब कोई और करता है, लेकिन आपको लिपसिंक करना पड़ता है एज एन एक्टर, आपको डायलॉग्स तो एटलीस्ट बोलने पड़ते हैं, ऑडियो फिर आपका कोई और डब करता है। तो मैं नहीं कर पा रही थी और मैं रोने लग गई थी सेट पे, और मैंने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ में लेखा प्रजापति, जिन्होंने बताया कि बॉलीवुड कोई गंदी फील्ड नहीं है, लड़कियों को जाना चाहिए, अपना नाम बनाना चाहिए, और वो ऐसी जगह है जो नाम, शोहरत, पैसा सब दे सकती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं पूजा दुबे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।